गाइस जितने भी स्टूडेंट बी टी यू पी के लिए इवेंट सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फाइनली आज की डेट में इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। गाइस हाल ही में बी टी यू पी ने एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिक किया है, जहां पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि विशेष सम सेमेस्टर बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 के अंतिम परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। तो गाइस पहले यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में इस नोटिस में आपको क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों हो सकता है, इसका क्या रीज़न है, आखिर में बी टी यू पी क्या करने वाला है, सब कुछ गाइस आपको इस वीडियो में डिटेल से एंड कम्प्लीटली लाइव प्रूफ बताया जाएगा। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, ओके। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा, मैं फालतू की चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे गाइस आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों की रेगुलर एवं बैक पेपर की परीक्षाएं केवल राजकीय पॉलिटेक्निक एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में संपन्न कराई जानी हैं। उस परीक्षाएं 1/7/24 से 26/7/24 तक आयोजित होंगी। सम सेमेस्टर बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 के परीक्षा कार्यक्रम में क्लेसिंग एवं त्रुटि के संबंध में संस्थाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की समीहित करते हुए अंतिम परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट btupsc.in पर अपलोड कर दिया गया है। कार्यक्रम की भली भांति अवलोकन कर ले, यदि कोई त्रुटि या क्लेसिंग पाई जाती है तो इसकी सूचना परिषद कार्यालय की ईमेल आईडी पे प्रत्येक दशा में 24/6/24 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी किया था तो इसमें कई ऐसे मिस्टेक थे गाइस, चाहे आपका एग्ज़ाम का पेपर ना दिखना, मतलब कि आपका एग्ज़ाम डेट ना दिखना, या फिर आपका एग्ज़ाम का जो पेपर किस डेट में पड़ रहा है उसको ना दिखना, या फिर गाइस आपका एग्ज़ाम संडे को पढ़ना, ये सारी क्लैसिंग थी जो बी टी यू पी की फाइनल टाइम टेबल में जारी की गई थी। लेकिन गाइस यहाँ पे अपडेट करते हुए बी टी यू पी ने फिर से चेंजेस कर दिया है, तो आप एक बार से अपने टाइम टेबल को चेक कर लेना। और गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए ईमेल आईडी पर प्रत्येक दशा में दिनांक 24/6/24 तक अपराह्न तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मतलब कि गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाइस क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि परिषद कार्यक्रम का भली भांति अवलोकन कर ले, यदि कोई त्रुटि क्लैसिंग पाई जाती है तो इसकी सूचना परिषद कार्यालय की ईमेल आईडी पर दे। मतलब है इसकी अभी भी अगर कोई गलती है तो इसकी सूचना इस ईमेल आईडी पर देना होगा और 24 तारीख से पहले देना होगा। मतलब कि गाइस यहाँ पे अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपका जो टाइम टेबल है यही फाइनल टाइम टेबल होने वाला है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो ऐसे में गाइस हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है ना, हम इसे फाइनल नहीं मान सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ बोला गया है कि आपका जो टाइम टेबल जारी किया गया है इसमें कोई अगर क्लेसिंग है तो आपको 24 जून से पहले आपको इस मेल पर सेंड करना होगा। तो ऐसे में ये बी टी यू पी क्या कर रहा है, आखिर में क्या करने वाला है। लेकिन गाइस इतना तो साफ है कि आपका जो 1 जुलाई को एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, उस डेट में कोई क्लैसिंग नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि उस डेट में आपका मंडे पड़ रहा होगा, तो मंडे का कोई क्लैसिंग तो है नहीं, या फिर कोई छुट्टियां तो है नहीं। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम भले ही 1 जून से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन जो आपके 20 के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं और डेफिनेटली होंगे भी होंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो बी टी यू पी ने करी है। मैंने आपके टाइम टेबल में एनालाइज किया था और गाइस आपने भले ही नहीं देखा हो, लेकिन मैंने आपका फुल टाइम टेबल एनालाइज किया है, हर एक ब्रांच का एनालाइज किया है। अगर कोई एक सब्जेक्ट का डेट गाइस टलता है तो डेफिनेटली आपका 2-3-4 सब्जेक्ट का भी डेट टलेगा, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा उसे ज़रूर से टाला जाएगा। तो ऐसे में बी टी यू पी गाइस कुछ भी कर सकता है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा इस हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।